इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कथित बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली एनसीआर में 22 ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। लालू से जुड़े हजार करोड़ के बेनामी जमीन सौदे के ये मामले हैं, जिसमें दिल्ली गुरुग्राम में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इस वक्त ये बेनामी संपत्ति का मामला है, लालू प्रसाद यादव की 22 जगह छापे पड़ रहे हैं। लालू पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली और गुरुग्राम में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। कुल 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां इस वक्त आईटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कुछ और बताइए इस खबर के बारे में, कौन सा है ये पूरा मामला जिसको लेकर 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी? देखिए, इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली थी कि लालू यादव से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियां दिल्ली और गुड़गांव और उसके आसपास हो सकती हैं। इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह 7:30 बजे से दिल्ली और गुड़गांव में लगभग 22 से ज्यादा ठिकानों पर अपनी छापेमारी शुरू की है। छापेमारी सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। छापेमारी के दौरान अब तक क्या मिला है, इस बारे में आयकर विभाग अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आयकर विभाग ने आधिकारिक तौर पर केवल इस बात की पुष्टि की है कि लालू यादव से जुड़े बेनामी मामले में दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी चल रही है। जी ओम प्रकाश तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देते हुए। लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति से जुड़ा ये मामला, उन पर यह आरोप है और इसी को लेकर दिल्ली और गुड़गांव में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की इस वक्त चल रही है छापेमारी। नमस्कार, हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लालू से जुड़ी बेनामी संपत्ति को लेकर 22 जगह इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, लालू पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप है। दिल्ली और गुरुग्राम में इनकम टैक्स की 22 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। 1000 करोड़ के जमीन सौदों से जुड़ा यह मामला, बेनामी संपत्ति होने का लालू प्रसाद यादव पर आरोप और इसी को लेकर दिल्ली एनसीआर में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा इस वक्त पड़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इनकम टैक्स विभाग के जो छापे पड़ रहे हैं इसमें क्या निकल कर आ रहा है? और अब से थोड़ी देर पहले हमने सुशील मोदी से जब बात की थी तो वो लगातार बेनामी संपत्ति को लेकर के लालू पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने भी ये जानना चाहा कि क्या उसी संदर्भ में ये छापेमारी हो रही है 22 ठिकानों पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है उसमें इनकम टैक्स विभाग को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दिल्ली और गुड़गांव में जो लालू यादव के बेटी दामाद है, जैसे मीशा हैं, शैलेंद्र हैं, जो उनके दामाद हैं लालू यादव के, इसके अलावा जो लालू यादव के सहयोगी हैं पीसी गुप्ता, इनके कुछ लड़के हैं, इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं। इस मामले में आरोप यह है कि कुछ कंपनियों के जरिए इन लोगों ने बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं और उन संपत्तियों का सही ब्यौरा अपनी आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने इस सूचना के आधार पर पहले इन सूचना को वेरीफाई किया और उसमें पाया कि वास्तव में कुछ गड़बड़ी हुई है। लालू यादव के बेटी दामाद ने और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उन लोगों ने वास्तव में कुछ बेनामी संपत्तियां खरीदी हो सकती हैं और कुछ कंपनियों के मार्फत बड़े पैमाने पर करोड़ रुपए के की घपलेबाजी की इस मामले में आशंका है। इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह से इस मामले में छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी लालू यादव के दामाद शैलेंद्र के यहाँ पे है, मीशा शैलेंद्र का घर उसे कहा जा सकता है। इसके अलावा पीसी गुप्ता के बच्चों से जुड़े कुछ लड़कों से जुड़े उनके परिवार से जुड़े कुछ ठिकानों पर छापेमारी है। इसके अलावा कुछ कंपनियों पर छापेमारी है। कुल मिलाकर लालू यादव और उनके जो सहयोगी हैं पीसी गुप्ता, उनसे जुड़े जो बेनामी संपत्तियां हैं उनको लेकर आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग ने अब तक ये आधिकारिक तौर पर सूचना दी है कि छापेमारी के दौरान इस बात की कोशिश की जा रही है कि वो दस्तावेज मिल सकें जिनके आधार पर ये तमाम बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। आयकर विभाग का कहना है कि छापेमारी अभी जारी है और देर शाम तक छापेमारी चलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो ओम प्रकाश तिवारी बेहद अहम जानकारी देते हुए कि लालू के दामाद, कुछ कंपनियां, लालू के सहयोगी पीसी गुप्ता, इनसे जुड़े तकरीबन 22 ठिकाने ऐसे हैं जिस पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। कुछ कंपनियों के जरिए बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है लालू प्रसाद यादव पर। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील मोदी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी लालू प्रसाद यादव के 1000 करोड़ के बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग दिल्ली एनसीआर सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। मैं देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में पिछले 1 महीने से था कि किस तरह से करोड़ों की संपत्ति कंपनी सहित मुखौटा कंपनियों के माध्यम से खरीद ली गई
और ये प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी थी डिलाइट मार्केटिंग, जिसकी 200 करोड़ की जमीन, जिसमें लालू जी का 700 करोड़ का मॉल बन रहा है, चाहे वो कत्याल की कंपनी थी एके इंफोसिस्टम, या फिर अशोक बंथिया की कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स जो नई दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 1088 पर, तो ये तमाम चीजें तो पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने खुलासा किया था। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये जो इनकम टैक्स रेड हो रहा है वो किस संदर्भ में हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है, लेकिन ये पिछले 40 दिनों से लगातार हम लोग एक पर एक खुलासे कर रहे थे। और कल नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि जो काम केंद्र की एजेंसियों का उनको करना चाहिए अगर दस्तावेज है, तो ये तो नीतीश जी की खुद मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करे, लेकिन नीतीश जी से हम उम्मीद करेंगे उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए जो बिहार सरकार के दायरे में है। तो ये करीब आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, जिन्होंने 1-1 लाख 1.5 लाख में कंपनी को खरीद लिया, करोड़ों की संपत्ति वाली कंपनियों के शेयर्स जो 1 लाख में खरीद कर, और जो जमीन और मकान सहित जो है वो चाहे सैनिक फार्म का मामला हो या बिजवासन का मामला हो या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला हो या पटना में हो औरंगाबाद में हो, तो ये तमाम मामले थे। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि अभी मैंने देखा नहीं है कि और इनकम टैक्स किसी छापे की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो शायद इन्हीं कागजातों के आधार पर शायद होगा। सुशील मोदी को आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। बहुत से और मामले हैं जिस पर बीजेपी की नजर नहीं जा रही है और भ्रष्टाचार के, और बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके ऐसा कभी कभी दिखता है कि एक तरह से राजनीतिक इंतकाम की भावना से विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक चिदंबरम साहब का सवाल है, अगर कोई वहां पर कोई कारण है तो कानून को अपना पूरा हक है उस मामले में। तो आपने सुना जेडीयू की प्रतिक्रिया, हालांकि वो पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लेकर के जिस तरह से छापेमारी हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव को लेकर जो लगातार सुशील मोदी की तरफ से आरोप लगते रहे हैं, अब उसको जोड़कर देखा जा रहा है जो 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग दिल्ली एनसीआर में छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार कल इस मामले पर खुलकर बयान भी दिया। सुशील मोदी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने लालू का बचाव तो किया, लेकिन साथ ही बीजेपी को जांच कराने की सलाह भी दे डाली। जांच की बात से लालू के बेटे और नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। कभी नीतीश को गोद में बैठा बच्चा कहा, अब बचवा बोलता कहा। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठ के कहा। कभी नीतीश को अपना चेला बताया, ये कौन है नीतीश कुमार, हमारे घर से हमारी ट्रेनिंग दिया। कभी लालू को जी भर भर के कोसा, कहे फिर रहे लालू जी अब हम बदल गए हैं, अब गलती नहीं करेंगे। तो इस उम्र में आदमी की आदत नहीं बदलती। कभी लालू को पालतू न बनने वाला तोता कहा, का पोस नहीं मानता, चाहे कुछ भी कर ले। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने दोनों को दोस्त बनाया। 2015 में एक दूसरे के धुर विरोधी दोस्त बन गए। इसी दोस्ती की बदौलत नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब शायद राजनीतिक दोस्ती का ही तकाजा है कि लालू यादव पर लग रहे बड़े बड़े घोटालों पर नीतीश उनका बचाव करते दिखे। जो आरोप सुशील जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा उसका उत्तर लालू जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार की असली बात बचाव नहीं बल्कि लालू यादव को दिया गया एक संदेश है। नीतीश ने निगाहें कहीं और रखी और निशाना कहीं और लगा दिया। कहने के लिए सत्ता में भागीदार लालू की पार्टी के साथ भी हो लिए और जांच की बात कहकर आंख भी दिखा दी। डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी जांच के नाम पर उल्टा मीडिया पर ही बरस पड़े।
लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। अगर सच है तो आप जांच करिए और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा। जिसके ऊपर ऑलरेडी इतनी जांच हो चुकी है और हम लोग कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, बार बार एक ही परिवार का जांच होगा और के परिवार का जांच नहीं होगा? क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं? दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त शह और मात का खेल चल रहा है। पूरा खेल यही है कि घोटालों के आरोप के बोझ से लालू और उनका परिवार दबा रहे, ताकि दूर दूर तक नीतीश की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहे। क्योंकि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लालू यादव परिवार पर नए नए आरोप लगाते ही जा रहे हैं। फिलहाल लालू परिवार पर मिट्टी घोटाला, पेट्रोल पंप घोटाला, काम के बदले जमीन कब्जा करना, अरबों की बेनामी संपत्ति बनाने जैसे घोटाले का आरोप लगा है। जाहिर है लालू बैकफुट पर हैं और नीतीश फ्रंटफुट पर, और राजनीति के इस खेल में पिक्चर का काफी हिस्सा अभी बाकी है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।